हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हमने कौन कौन से लेक्चर पढ़ चुके हैं तो मैं बता दूं आपको। मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, उसका पार्ट वन आपने देख लिया होगा, आज पार्ट टू है। तो मैकेनिक्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके 51 क्वेश्चन हो गए थे, आज से 52वां क्वेश्चन से शुरू करके हम लोग 100 तक जाएंगे, ठीक है। इसमें 250 क्वेश्चन करीब हैं, तो आपको चार लेक्चर तो मिलने वाले हैं मैकेनिक्स पे, ठीक है। तो चार लेक्चर आपको जरूर पढ़ने होंगे, जिससे आपको कोई कॉम्पिटिशन्स में कितने भी क्वेश्चन आएंगे 250 क्वेश्चन में करा दूंगा, तो उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं बता दूं एक चीज़ और, आपको पीडीएफ जरूर आप इसकी कलेक्ट कर लेना, 250 क्वेश्चन आपके पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको 51 क्वेश्चन की पीडीएफ पहले वाले लेक्चर में मिल चुकी होगी, और 52 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में होने हैं, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और मैं बता दूं कि आपको फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आप लोग को फर्दर अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। 52वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है मैकेनिक्स में आपका, यांत्रिकी में। तो पहला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। बल आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, आपने पता होगा। तो आप ऑप्शन देखिए और उसके हिसाब से आप लगाइए आंसर फटाक से जल्दी से। तो ऑप्शन पढ़िए, आपका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल नहीं होता है, भार और वेग का नहीं होता है, भार और त्वरण का नहीं होता, तो द्रव्यमान और त्वरण का होता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 53वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। भार घट जाता है, उसका वेट घट जाता है, बट उसका जो मात्रा है जो उसकी, वो अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये इक्वेटर से आप ऊपर जाओगे तो आपका ग्रेविटी जो होगी, ऊपर जाओगे तो आपकी ग्रेविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। ऊपर जाओगे मतलब पोल्स पे आप जाओगे, तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, ठीक है। पोल्स पे आपकी दोनों तरफ ज़्यादा होती है, तो ग्रेविटी आपकी ज़्यादा होती है कहाँ पर, ध्रुवों पर ज़्यादा होती है, पोल्स पे आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। 55वां क्वेश्चन है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान रहता है, तो नहीं रहता है, बिल्कुल गलत है ये आपका, एक समान नहीं रहता है, क्योंकि आपकी ग्रेविटी जो है आपकी हर जगह चेंज होती है। पोल्स पर मैंने बताया आपको ज्यादा होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा वजन, बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर, क्योंकि आपकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है तो आपका वजन कितना वहीं ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, क्यों उछल सकता है, चंद्रमा की सतह खुरदरी थी, ये तो कोई हुआ नहीं कि खुरदरी की वजह से आप क्या उछल सकते हो क्या है, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस ऑप्शन था। ऑप्शन दूसरा देख लीजिए, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ये तो वायुमंडल नहीं है, तो इसकी वजह ये भी कोई रीजन नहीं है। आपका सी ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, तो बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है पृथ्वी के कंपेयर में कम होता है, ठीक है, अर्थ के कंपेयर में कम होता है, इसलिए वहां पर जो है अधिक ऊंचाई पर उछल सकता है इंसान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 57वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 57वां क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है। तो किया गया कार्य आपका, आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है, बल गुणे आपका विस्थापन होता है, या वर्क इक्वल टू आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आपका जो कार्य है 1 मीटर ऊंचाई पे कर रहे हैं, तो मतलब कि कोई आपका एंगल बन रहा होगा, तो एंगल कॉस थीटा, आपने पता ही है कि कॉस थीटा होता है बल गुणे विस्थापन, और आपका जो एंगल होगा जो आपका कोण बन रहा होगा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका कितना है ऊपर, ऊंचाई ऊपर जा रहा, तो 90, कॉस 90 की वैल्यू आप अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका,
cos 90 0 होता है, तो आपकी ये 0 अगर ये बन रहा है, 0 से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, मतलब वर्क इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझ लीजिए, वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉस थीटा मतलब आपका जो एंगल बन रहा होगा, जो भी आपने आपने अगर कॉस 90 ऊपर की ओर आपने ऊंचाई पे उठाया है तो कॉस 90 की वैल्यू आपकी होगी, 90 डिग्री पे आपने उठाया है उस किसी भी चीज़ को, वजन को आपने उठाया हुआ है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 बना देगा पूरे इक्वेशन को, तो वर्क इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 0 जूल होगा। ठीक है, आपका कितना होगा कार्य, जूल, 0 जूल होगा। ठीक है, 98वां क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है, तो विस्थापित नहीं करता है मतलब पता ही आपको वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गई कि आपने वस्तु विस्थापित नहीं हुई ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, तो 0 तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क भी तो 0 हो जाएगा, आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तो डी क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, 0 कार्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 59वां, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बनाने बढ़ाने के लिए, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करता है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। पहाड़ी पर चढ़ते टाइम हम लोग स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए ही आगे की ओर हल्का सा झुक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 60वां आपका है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है आधार से होकर जाती है, तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए ही बिल्कुल सही है, आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और 61वां देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, तो ये आपका गलत है, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसकी कठोरता पाइप तोड़ देती है, ये भी नहीं होगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसलिए जो है वो पाइप फट जाता है, जमने के बाद जो होता है अत्यधिक जब ठंडी पड़ेगी तो पानी का जो होगा, पानी जो होगा वो जम जाएगी, तो जमने के बाद जो है उसका आयतन जो है बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो पाइप जो है फट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो 61वां क्वेश्चन देख ले, 62वां क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर बोतल तो नहीं सिकुड़ती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, तो नहीं, जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, 63वां क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा परिवर्तन, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, नहीं पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम पहले घटेगा बाद में फिर वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपका, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको इसी क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी आपकी सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़े भी होगा आपने, तो बिल्कुल आप समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, आपने 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है,
तो नाव के बाहर से कम तो ये नहीं होगा, नाव के बाहर से ज्यादा ये भी नहीं होगा, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है तो वही होगा, जो इतना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा और उतने में जो उसका वजन होगा, जो वेट होगा उसका, तो वही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसके भार के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 65वां क्वेश्चन है आपका, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उससे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो आप जानते हो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, जिसमें आपका जो कोई अगर वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम जो है। मैंने आपका ये फोर्स का नियम बताया था, लेकिन आपको गति का नियम एक चीज मैं बता दूं, v इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है, v इक्वल टू आपका यू प्लस ए टी होता है, तो गति का पहला समीकरण आपका लगेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा फ्रेंड्स, फोर्स का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है, तो अगर फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है आपका, जो मैंने बताया कि पहला आपका कोई अगर वस्तु आपकी गतिमान अवस्था में तो गतिमान में रहना चाहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पहले एक बार समझ लो, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम गति का लागू होगा, तो अब गति का पहला नियम लागू होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वो आपको ध्यान रखना होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है अगर इक्वेशन दे दी जाए तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आपका 66वां क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, तो ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, सड़क बर्फ से सख्त होती है तो ये भी नहीं है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, तो ये भी नहीं होगा, और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ये जो फ्रिक्शन का है इसमें लॉ फ्रिक्शन के थ्रू ही है, तो आपको समझना होगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है बर्फ में कम होता है, ठीक है, तो उसमें चलने पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो 67वां देखते हैं, 67th क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए है आपका, बर्फ मुलायम एंड स्पंजी होता है और जबकि रोड़ी कठोर होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, नहीं होगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसीलिए कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण जो होता है उसकी तुलना में कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको ऑप्शन मिल जाता है अगर आंसर, तो आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको देखते हैं 68th नंबर क्वेश्चन आपका, लकड़ी के सिलेंडर आकार पात्र को खींचने के जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर ए है, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, तो ये नहीं होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, वस्तु का भार कार्यकारी नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी देखते हैं, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, तो ये आपका सही है, जो इसका घर्षण बल होता है ना उससे कम होता है, इस वजह से आपका ये बड़ी तेजी से फिसलता जाता है। ठीक है, तो लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, इसीलिए आसान होता है क्योंकि उसका घर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब आपको आगे का जो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पढ़िए 69th नंबर का क्वेश्चन आपका कौन सा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, नहीं थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 70वां क्वेश्चन क्या है, 70वां क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह यह पानी में डूब जाती है, तो लोहे की कील का जो आपको ये है, तो लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता परंतु पारे से कम होता है, इस वजह से जो होती है वो डूब जाती पानी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा फ्रेंड, सी वाला सही होगा, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है इसलिए वो डूब जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 71वां क्वेश्चन देखिए, जब
एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होगा तो उसके द्वारा विस्थापित जल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, उसके द्वारा विस्थापित पानी के बराबर होगा, पानी के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आपका 72वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए है आपका, पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होती है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, और बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है, बर्फ पानी से हल्की होती तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, बर्फ जो है पानी से हल्की होती है परंतु एल्कोहल से भारी होती है, इसलिए बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, यही आपका रीजन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, पारे का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा जो होता है अधिक होता है इसलिए वो तैरती है। तो पारे का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो तैरती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा, इतना आप ध्यान रख लो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब 74वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो डैश क्या होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी या पारे की सतह पर तैरेगी। तो बिल्कुल सही है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो वह पारे की सतह पर तैरने लगेगी। अब क्यों तैरेगी, क्योंकि आपको जानते हो कि पारे का घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है तो वो नीचे रहेगा, अगर आपका लोहे का गेंद जो होगी उसकी अपेक्षा में उसका घनत्व कम होता है इसलिए वो ऊपर रहेगी। ठीक है, तो वो ऊपर तैरती रहेगी, ठीक है, पारे की सतह पर वो तैरती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, 75वां क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा कब होता है, तो आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है डेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 76वां क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, मात्रा बदलने पर आपका क्या अपरिवर्तित रहता है, तो आपको बताना होगा घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मात्रा बदलने पर घनत्व जो है डेंसिटी उसकी अपरिवर्तित रहती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्या है। 77वां दिया है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो क्यों लगता है फ्रेंड्स, तो आपको इसका जवाब देना होगा कि क्यों लगता है। तो आप अपने पहले ऑप्शन पढ़ लो फटाफट। समुद्री पानी में प्रदूषण होता है, प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है तैरने से, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत हो गया। लेकिन आप सी एक बार और पढ़ लो, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, तो यही चीज़ रीज़न है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए उसको तैरने में आसानी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 78वां क्वेश्चन, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो आपको ध्यान रखना, निम्न घनत्व के कारण वो तैरते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। 79th क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/9 भाग ऊपर रहता है, आपको ये ध्यान रखना है 1/9 भाग ऊपर रहता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं 80वां क्वेश्चन क्या है, 80, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है बढ़ता है। गहराई अगर बढ़ेगी आपकी, जो गहराई मतलब डेप्थ आपकी बढ़ेगी, डेप्थ जितनी बढ़ेगी आपकी तो आपका प्रेशर भी क्या होगा, दाब जो होगा, आपका दाब जो है बढ़ेगा, जो होगा दाब क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रीज़न होता है, इसीलिए दीवार जो होती है मोटी बनाई जाती है, गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं 81वां क्वेश्चन क्या है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, दाब बढ़ेगा तो
आपको ध्यान रखना है कि दाब अगर आपका बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक जो होगा घटेगा, गलनांक जो होगा आपका घटेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, गलनांक जो होगा घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो बी बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। बर्फ परिसरीकरण प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होगा घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, और क्योंकि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब जो है अधिक हो जाता है, ठीक है। दाब आपका क्या हो जाता है, दाब आपका नहीं सॉरी घट जाता है, जब आपका वाटर का जो वेलोसिटी होगी आपकी बढ़ जाएगी, पानी का वेग जो है आपका बढ़ेगा तो दाब जो है वेलोसिटी बढ़ेगी तो दाब आपका प्रेशर जो है घटेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 83वां देखते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, तो आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है, पहला है निचले तल का तापमान अधिक होता है, तो ये नहीं, निचले तल का तापमान अधिकतम नहीं होता है, पिघलता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घटता है, मैंने बताया था दाब बढ़, दाब जो होगा, दाब अधिक होगा तो गलनांक क्या होगा घटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही, दूसरा ही सही होगा, ठीक है, दूसरा ही आपका सही होगा, तो यही आपको स्टॉप कर देना, आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए, आप 84वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, दलदल के में फंसे व्यक्ति की लेटने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है कम हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा जब आपका एरिया जब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब जो होगा कम हो जाता है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वही चीज है, आपका दाब क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो दाब आपका घट जाएगा। आप रिलेशन समझ लो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर जो होगा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ मान लीजिए कि ये एरिया आपका 10 है और ये 100 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो प्रेशर के अंदर 10 आ जाएगा, 10 पास्कल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ा के 12 कर दोगे तो यहाँ इसको आप करोगे तो 8 पॉइंट्स कुछ समथिंग आएगा, तो घटा कि नहीं घटा, तो आपने नीचे अगर आप वैल्यू अगर एरिया को बढ़ाओगे आप जितना ज़्यादा तो यहाँ की वैल्यू आपकी घटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रिलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपका 84th का आंसर आपने क्या लगाया, पहला ही लगाया है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। 85वां देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो मैंने बताया था दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घटता है, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होगा आपका घटेगा, ठीक है। गलनांक कितना होगा, घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गलनांक आपका घटेगा, ये रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 86वां क्वेश्चन देख लेते हैं आप एक बार। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि, क्योंकि क्यों उड़ जाती हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है छतों का आकार जटिल होता, तो ये ऐसा कोई नहीं है रिलेशन कि इसकी वजह से, छतें कस कर बंधी नहीं होती है तो ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी देखिए, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसी वजह से जो होता है टीन उड़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है, आपको आगे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 87वां क्वेश्चन, 87th देख लीजिए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, लकड़ी किस लिए लगाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना रेल गाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसलिए जिसके द्वारा लगाया गया दाब जो होता है कम हो जाए इस वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई में हाइट बढ़ेगी, हाइट जब आप किसी हाइट पर जाओगे तो आपका वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है,
वायुमंडलीय दाब जो हो जाता है कम हो जाता है, दाब आपका कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है, नाक से खून आने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तचाप बढ़ता है तो ये नहीं होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है ये भी नहीं होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो नहीं घटता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका वायुमंडलीय दाब घटता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, तो ये रीजन होता है मेन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे आपके, तो आपको समझ में भी आया होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 क्या है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, 2% तक बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2% तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, बी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 51वां क्वेश्चन क्या है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उबलने का बिंदु जो होगा नीचे ही आएगा, तो क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जब कम होगा, वायुमंडलीय दाब जब कम होगा तो उबलने का जो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी नीचे आ जाएगा आपका, तो ये भी आपको ध्यान रखना, उबलने का बिंदु जो नीचे आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 52वां क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब आपका कैसा होता है, तो ये बताना है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 93 देख लीजिए, 93rd आपका है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, तो घर्षण की कमी, आपका जो फ्रिक्शन आपका कम होगा, इस वजह से आप वहाँ फिसल जाते, जहाँ फ्रिक्शन कम होगा आप वहाँ पर फिसल जाओगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 94वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देख लीजिए जल्दी से। जब वैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक होता है, आंधी और झंझावत इस संभावना का द्योतक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। 95th देख लीजिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा उसका, तो गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, क्या होगी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 96th देख लेते हैं, क्योंकि सेशन बहुत लंबा होता जा रहा है फ्रेंड्स, आपके आज के 49 क्वेश्चन थे आज के आपके, तो वो आज को कराना है, फिर 101 से फिर से स्टार्ट होंगे, 100 क्वेश्चन आपका ये जो होगा कंप्लीट होगा आज पूरा पूरा। ठीक है, तो मैं बता दूं एक बार और, पीडीएफ जरूर आप कलेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप जरूर कलेक्ट कर लेना, और आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, शेयर जरूर करते रहिए जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी लाभ मिलता रहे इसका। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन नंबर देखिए, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, क्यों कठिन होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब जो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता उतनी ही जरूरत पड़ेगी, इस वजह से क्या होता है हमको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, ऊंचाई के बढ़ने पर दाब वायु दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ेगा हाइट बढ़ेगी आपकी तो प्रेशर जो होगा घटेगा। ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी, इस वजह से वहां पर सांस फूलने लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 97th देख लीजिए, जब 14 वायुदाब किसी ऊंचाई पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि क्यों गिर जाता है, तो वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इस वजह से वो गिर जाता, पारा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो होगा निम्न हो जाता है, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 98th देखते हैं, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ मार्ग दौड़ाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है उसको, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, 99 देख लीजिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है, क्या हो जाता है, वायुदाब घट जाता है, अब मैंने बताया था कि ऊंचाई बढ़ेगी तो आपका दाब क्या होगा, घटेगा, तो वायुदाब घट जाता है, इस वजह से ऊपर जाके ये
गुब्बारा जो है था फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन देख लीजिए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। दाब जब ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपका क्या हो, पानी का ताप बढ़ जाएगा, उबलते पानी का ताप जो होगा बढ़ जाएगा। दाब ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा तो आपका पानी का ताप बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता, तो ताप कम नहीं होता है, वायु चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये नहीं होगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़े, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आ गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज पर भी आप कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके बाय बाय, थैंक्स।